जब सरकार को पेट्रोल 25 से 30 रुपए में मिल जाता है तो लोगों को 70 से 80 रुपए में देने का मतलब क्या है? आजादी के ज्ञात इतिहास में 7.5 रुपए पेट्रोल। मोदी दे लेके लग गई साड़ी ता पूंजी जी, शाहूकारां नूं काणी पै गई अज मूंगी जी। आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल तेल के दाम बार बार बढ़ाते हैं। आपको ज्ञात होगा कि देश के अंदर वो दाम दुनिया के किसी देश। मोदी दे लेके लग गई साड़ी ता पूंजी जी, शाहूकारां नूं काणी पै गई अज मूंगी जी। जनता दी चीख निकल गई, ठप हो गए धंधे जी, होरां वी तरस न कर दे बैंकां दे बंदे जी। चीकू दा आज आम आदमी पर फिर से महंगाई का एक चपेटा उन्होंने मारा है। सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा बिना कर होया मिलनी दे कंबल रह गए थोड़ी ना चढ़ होया। नोट ना गिन हुंदे सी वखरियां बातां सी, 500 दे नोट दे पिछे पन दिंदे नासां सी। 100-100 दे नोटां दी हुण लगी ए ओड़ बड़ी, पैसे ना बैंक तो मिलदे लगी ए दौड़। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। खोरे तू कद खोलेगा बुआ वे बैंकां दा, दर्जी नू लेके देना कपड़ा सी पेंटां दा। दर्जी नू लेके देना कपड़ा सी पेंटां दा। अच्छे दिन आने वाले मोदी सी बोल तेरे, रैली विच दित्ता भाषण अज भी एको। सब लोगों के तो अच्छे दिन आए, लेकिन कुछ लोगों के बुरे दिन आए हैं, और जिनके बुरे दिन आए हैं उनको जरा परेशानी हो रही है। वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, 8 साल तक दिल्ली के राजनीति के गलियारों में उन्हीं की आवाज सुनाई देती थी, उन्हीं के इरादों पर ही देश चलाया जाता था। काले तेरे दिल दा किस्सा चढ़िया वे दसिए कीनू, सानू ही लुट तुर जांदा वोटा असी दईए जीनू। सानू ही लुट तुर जांदा वोटा असी दईए जीनू। जिन्ने भी वादे कीते पीती हुई भंग वरगे सी। आज देश में दिल्ली के गलियारों में दलालों के लिए कोई जगह नहीं है। उनके बुरे दिन आना बड़ा स्वाभाविक है, उनके बुरे दिन आना बड़ा स्वाभाविक है, और इसलिए वो जरा ज्यादा चीख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जिन लोगों ने देश को लूटा है उनके अच्छे दिन की गारंटी मैंने नहीं दी थी, और इसलिए उनके तो बुरे दिन और बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि यह देश लूटने नहीं दिया जाएगा। मैं संतरी बन करके बैठा हूं भाइयों बहनों, मैं प्रधान सेवक हूं लेकिन मैं एक प्रधान ट्रस्टी भी हूं। ये देश की संपत्ति आपकी संपत्ति है। तेरे सब ले फैसले सप्पा दे डंग वरगे सी, एटीएम अगे लगिया लम्मिया ने लाइना बड़िया, सारा दिन करन से आपे लाइन विच बीबिया खड़िया। हैप्पी मनी ले वाला गल्ला ए खरिया करदा, 500 दा नोट लैन तो सारा ही इंडिया डरदा।
हजार दा नोट लैण तू सारा ही इंडिया डरदा। बुरे दिनों से मुक्ति, बुरे कामों से मुक्ति, बुरे इरादों से मुक्ति, बुरी नीयत से मुक्ति, बुरे कारनामों से मुक्ति 365 दिन में ये करके दिखाया है। और उसके कारण अगर कुछ लोगों को परेशानी होती है तो वो परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, ये उनको भी ध्यान रहना चाहिए। सारा ही इंडिया डरेगा, सारा ही इंडिया डरेगा, हाय हाय। सरकार को पेट्रोल 25 रुपए। जब कोरोना की महामारी फैली हुई थी तो हमारे विश्व योगा गुरु रामदेव जी एवं प्रचंड पंडित आयुर्वेदा के बालकृष्ण जी कुछ ऐसा इन्होंने जो चीजें निकाली थी जिसमें शोध किए थे और उन शोध में काफी कुछ सफलता मिली थी। अब उसमें यह विचार आया कि इसको अब कोरोना के मरीजों पर ट्रायल किया जाए। तो स्वामी रामदेव ने कोरोना की दवा कोरोनिल लॉन्च कर दी है। उनका दावा है कि इस दवा के जो भी क्लिनिकल ट्रायल अभी तक किए गए वो सब सफल रहे हैं। और आप आज दोपहर 3 बजे इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव को सीधे सुन सकते हैं, जिसमें वो आपको बताएंगे कि ये दवा आपको किस तरह से फायदा करेगी, ये दवा आप कब ले सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है। तो जरूर देखिए इंडिया टीवी दोपहर 3 बजे। और कोरोनिल के बारे में जो भी आपके मन में सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब खुद स्वामी रामदेव देंगे। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने दिल्ली में चक्का जाम की शुरुआत की। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। नहीं मोदी जी ने अच्छा किया।